हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनाकल कैरियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। बात करेंगे एसएससी के एग्जाम से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। बेसिकली एग्जाम जो बनाए गए हैं, इसमें मेनली जो जिन क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस का जो टॉपिक रहेगा वो मेनली आपके क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड रहेंगे। अब अगर साइंस से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि एसएससी में साइंस का वेटेज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है। और अगर एसएससी में साइंस का बात करी जाए तो पर्टिकुलरली बायोलॉजी का ऐसा सब्जेक्ट है जहां पर एसएससी अपना वेटेज बढ़ाती जा रही है। और पहले साइंस से रिलेटेड काफी कम क्वेश्चन आते थे और काफी बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते थे, लेकिन अगर आप देखा जाए तो चाहे वो एसएससी सीजीएल हो चाहे एसएससी सीएचएसएल हो, दोनों के दोनों एग्जाम्स में साइंस का वेटेज काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसलिए हम आज बात करेंगे एसएससी से रिलेटेड साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस की। बात करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन की, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टेज, अगर लैक्टेज प्रेजेंट है तो लैक्टोज ब्रेक्स डाउन इनटू द मॉलिक्यूल्स ऑफ, लैक्टेज की उपस्थिति में लैक्टोज अणु किस चीज में परिवर्तित होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लैक्टेज की प्रेजेंस में लैक्टोज जो ब्रेक डाउन होता है किस किस में चीज में ब्रेक डाउन होता है। तो लैक्टोज किस चीज में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। किस में ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में आपका जो लैक्टेज रहता है ब्रेक डाउन होता है। मेडक में त्वचा शोषण हेतु क्या उपयुक्त रहती है, या फिर स्किन इज आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन द फ्रॉग बिकॉज, या अगर मेंढक की बात करें तो आपको पता होगा कि मेंढक अपनी जो त्वचा है उससे सांस लेता है। तो मेंढक की त्वचा इस चीज के लिए आइडियल क्यों रहती है, मेंढक की त्वचा इस चीज के लिए आइडियल इसलिए रहती है क्योंकि वह अधिक संवहनीय होने के कारण, इसके अलावा नम होने के कारण, इसके अलावा सल्क तथा रोमों की अनुपस्थिति के कारण। यानी कि अगर ऊपर वाले दिए गए तीनों रीजंस की बात करें तो तीनों रीजंस ऐसे हैं जिनके कारण स्किन इज द आइडियल रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर द फ्रॉग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस इफ वन लिव्स एट द हायर एल्टीट्यूड, अगर कोई बहुत ऊंचाई पर रहता है या फिर हायर एल्टीट्यूड पर रहता है तो उसके ब्लड में जो आरबीसी सेल्स रहते हैं उनकी मात्रा काफी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है, इसका आपको रीजन पूछा गया है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां पे जब कोई भी माउंटेन पे रहता है, किसी हाइट पे रहता है, तो वहां पे जो ऑक्सीजन रहती है ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम रहता है, और सिर्फ ऑक्सीजन का अमाउंट काफी कम रहता है तो इसलिए रेड ब्लड सेल्स का जो मात्रा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जो बाउमेन कैप्सूल होता है, वो बाउमेन कैप्सूल का फंक्शन क्या रहता है, ऐसा क्या फंक्शन करता है, तो जो बाउमेन कैप्सूल रहता है फिर बेपेन संपुट रहता है उसका मतलब उसका बेसिकली फंक्शन क्या रहता है, उसका फंक्शन रहता है फिल्टर या फिर फिल्ट्रेशन, इस चीज का फंक्शन रहता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, सिलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग, अगर निम्न में से आपको सही मिलान करना है, इनमें से सही मिलान क्या होगा, कि थायरोक्सिन कहाँ पे होता है, थायरोक्सिन ओवरी में होता है, ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, या फिर इंसुलिन हार्मोन जो रहता है थायराइड ग्लैंड में प्रोड्यूस होता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रहता है वो आपके टेस्टिस में प्रोड्यूस होता है। तो इसमें आपको सही मिलान करना है, तो इसमें आपको पता होगा कि जो टेस्टोस्टेरोन रहता है ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, टेस्टिस में। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। रिसेप्टिव पार्ट ऑफ द कार्पल इज, यानी कि कार्पल की अगर बात किया जाए, जायंग का बात करी जाए, तो जायंग का ग्राही भाग क्या होता है, तो जायंग का ग्राही भाग क्या रहता है, जायंग का जो ग्राही भाग रहता है ये कौन सा रहता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा जायंग का ग्राही भाग रहता है। इनहेरिटेंस ऑफ द इक्वल कैरेक्टर वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था, इसका आपको नाम पूछा जा रहा है कि किसके द्वारा ये चीज प्रस्तावित करी गई थी, तो ये किसने प्रस्तावित किया था, लैमार्क ने इस चीज को प्रस्तावित किया था। इनहेरिटेंस ऑफ द इक्वल कैरेक्टर्स वाज प्रपोज्ड बाय लैमार्क। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इन एवरी फूड चेन ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, अगर किसी भी फूड चेन की बात करें तो उसमें जो ग्रीन प्लांट रहते हैं ये क्या ऐसा क्या वर्क करते हैं, तो ग्रीन प्लांट की बात करिए तो ग्रीन प्लांट ऐसा प्रोड्यूसर वर्क करते हैं, या फिर ग्रीन प्लांट ऐसा उत्पादक वर्क करते हैं। तो ग्रीन प्लांट को खा के ग्रीन प्लांट क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स रहते हैं, फिर ग्रीन प्लांट की मदद से जो ग्रीन प्लांट को खाते हैं उनको कोई और खाता है, तो इस तरीके से पूरी की पूरी फूड चेन कंप्लीट होती है। लेकिन ग्रीन प्लांट क्या रहता है, बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर रहते हैं। पेट्रोलियम क्या है, इनऑक्सिस्टेबल रिसोर्स है, या एग्जॉस्टेबल रिसोर्स है, या फिर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो अगर पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम क्या है, एक एग्जॉस्टेबल रिसोर्स भी है और इसके अलावा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स भी है। तो पेट्रोलियम क्या हो गया, दोनों का दोनों, जो अगर इसमें ऑप्शन गलत दिया है, इसमें आपका बी और सी ऑप्शन दोनों करेक्ट आएगा, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, यानी कि एक बार खत्म हो जाए तो दोबारा बनाया नहीं जा सकता, और इसके द्वारा इसके अलावा एग्जॉस्टेबल रिसोर्स, यानी कि आपका ये खत्म भी हो सकता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, सेल वॉल ऑफ विच वन ऑफ द दीज इज नॉट मेड अप ऑफ सेलुलोज, यानी कि इनमें से किसकी सेल वॉल जो रहती है वो सेलुलोज से मिलके नहीं बनती है। तो इसमें जो अगर बैक्टीरिया की सेल वॉल की बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल रहती है उसमें सेलुलोज प्रेजेंट नहीं रहता है। 2 मोल ऑफ H2 यानी कि हाइड्रोजन के अगर 2 मोल को एनटीपी कंडीशन में कैलकुलेट किया जाए तो 2 मोल की वॉल्यूम क्या होगी, तो 2 वॉल्यूम की आपको पता है कि एक मोल की अगर एनटीपी कंडीशन की बात करें तो 1 मोल की वॉल्यूम कितनी होती है, 22.4 लीटर। तो अगर 2 मोल हो रहे हैं H2 के तो कितनी वैल्यू हो जाएगी, 44.8 लीटर।
लीटर, कितनी हो जाएगी 44.8 लीटर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अरेंज द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। Na, Rb, K और Mg, इन सबको किसमें अरेंज करना है, इनके एटॉमिक रेडियस के बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करना है। तो अगर इनके अरेंजमेंट की बात करी जाए तो सबसे पहले क्या आएगा, Mg आएगा, Mg के बाद कौन आएगा, Na आएगा, और Na के बाद कौन आएगा, K आएगा, K के बाद कौन आएगा, Rb आएगा। तो ओवरऑल इनका जो क्रम रहेगा वो क्या रहेगा, Mg, फिर Na, फिर K, फिर Rb, Rb यानी कि रुबिडियम, ये इनका क्या रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, एलिमेंट्स हैव इलेक्ट्रॉनिक नेगेटिविटीज 1.5 एंड 3.0, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन देम विल वुड बी। अगर किसी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो 1.5 और 3.0 है तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो किस टाइप का बॉन्ड होगा। तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कितनी है 1.5 एंड 3.0, तो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या रहेगा, सहसंयोजी रहेगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। क्या रहेगा, कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा। Which of the following statement is correct? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा statement correct है, कि hydrogen has same ionization potential as sodium, या फिर has same electronegativity as halogen, या फिर it will not be liberated at anode, या फिर H has oxidation state +1 and 1। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से क्या करेक्ट रहेगा। तो अगर करेक्ट की बात करें तो इसमें से जो करेक्ट रहेगा कि H की जो ऑक्सीकरण अवस्था रहती है वो कितनी रहती है, +1 रहती है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, H की जो ऑक्सीडेशन अवस्था रहती है वो कितनी रहती है, +1 रहती है। Which of the following is not true? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सत्य नहीं है। हार्डनेस ऑफ द वाटर इज शोन बाय इट्स बिहेवियर टू वॉटरशॉप्स, या फिर जल की कठोरता को इसके साबुन के साथ व्यवहार के द्वारा दर्शाया जाता है। अस्थायी कठोरता CA तथा Mg के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। स्थायी कठोरता जो रहती है ये CA और Mg के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है, या स्थायी कठोरता जो रहती है जल को उबालकर दूर की जा सकती है। तो अगर स्थायी कठोरता की बात करी जाए तो स्थायी कठोरता कैन बी परमानेंटली रिमूव्ड बाय इफ यू विल बॉइल द मिल्क, मतलब अगर आप पानी को गर्म करते हो तो जो वो परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव किया जा सकता है। बात करते हैं अगले, मतलब नॉट ट्रू है, तो यानी कि ये नहीं किया जा सकता। ऊपर वाले जो तीन स्टेटमेंट है ये आपके तीनों के तीनों ट्रू है, लेकिन इसमें से एकमात्र को जो गलत स्टेटमेंट बताना था कि परमानेंट हार्डनेस, सिंस हार्डनेस परमानेंट है इसलिए इसको बॉइलिंग के द्वारा रिमूव नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हार्डनेस टेम्पररी होती तो इसको डेफिनेटली बॉइलिंग के द्वारा रिमूव किया जा सकता था। द सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, अगर आपको सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करना है तो कौन से मेथड से सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर के लिए कौन सी विधि का यूज किया जाता है, सॉल्वेज प्रोसेस का यूज किया जाता है सोडियम कार्बोनेट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। द ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द टाइफाइड इज, अगर टाइफाइड का आपको ट्रीटमेंट करना है तो ट्रीटमेंट के लिए कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, इसके लिए जो ड्रग का यूज करते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोमाइसेटिन इस ड्रग का नाम होता है, इसको यूज किसमें किया जाता है, टाइफाइड की बीमारी को ट्रीट करने के लिए। राइबोफ्लाविन जो डेफिशिएंसी होती है किस चीज के कारण होती है, या फिर राइबोफ्लाविन की कमी के कारण कौन सी डेफिशिएंसी होती है, तो अगर राइबोफ्लाविन की कमी की बात करी जाए तो राइबोफ्लाविन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, इसके कारण जो बीमारी होती है उसका नाम क्या होता है, किलोसिस। कौन सी बीमारी होती है, किलोसिस। अगर राइबोफ्लाविन की आपकी बॉडी में कमी है तो कौन सी बीमारी होगी, किलोसिस। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ताजमहल इज थ्रेटन्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ, ताजमहल में आपने देखा होगा कि पॉल्यूशन के कारण ताजमहल का जो पूरे का पूरा बाउंड्री वॉल है ये येलोइश कलर का होता जा रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, तो ये किसके कारण हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। तो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल का जो कलर है ये येलोइश होता जा रहा है, और इसके कारण इसमें पॉल्यूशन के कारण ताजमहल का जो एक्चुअल आर्किटेक्चर उसको काफी ज्यादा खतरा है। लूनर इक्लिप्स जो अकर होता है, या फिर चंद्रग्रहण कब होता है, चंद्रग्रहण तब होता है जब अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून, अगर सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर अर्थ आ जाती है तो क्या हो जाता है, चंद्रग्रहण हो जाता है, या फिर चंद्र ढक जाता है तो इसलिए चंद्रग्रहण हो जाता है। तो लूनर इक्लिप्स कब होता है, जब अर्थ किस किसके बीच में आ जाती है, सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है। इसके अलावा बात करेंगे एमबीबीएससी के बैचेस की, हमारी सारी की सारी ब्रांचेस इंदौर, भोपाल, इसके अलावा होशंगाबाद और हरदा में एमबीबीएससी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। आपको पता है कि एमबीबीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है, तो अगर आपने बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है तो दिस इज द राइट टाइम। इसके अलावा बात करेंगे सेमिनार की, तो हमारे यहाँ होशंगाबाद में सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाली है 19th of December को होशंगाबाद में सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाली है। तो यहाँ पे कब सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाली है, 19th of December को। इसके अलावा हम बात करें इंदौर में हमारे यहाँ जो भवरकुआ लोकेशन है, भवरकुआ लोकेशन पे जो ओपन सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है ये कब ऑर्गेनाइज होने वाला है, 18th of December को। इसके अलावा अगर हम हरदा में बात करें तो हरदा में भी जो हमारा ओपन सेमिनार होने वाला है ये कब ऑर्गेनाइज होने वाला है, 18th of December को। इसके अलावा आपको बैचेस में एडमिशन लेना है तो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो दिस इज द राइट टाइम जहां पे आप टारगेट बैच में एडमिशन ले सकते हो।
और टारगेट बैच में मैं आपको बता सकता हूँ कि पर्टिकुलरली टारगेट इसी हिसाब टारगेट बैच इस हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है कि अल्टीमेटली 2 महीने में आपका सिलेबस और आपका सिलेक्शन एनी हाउ पॉसिबल हो सके, तो इस हिसाब से टारगेट बैच को डिजाइन किया जा रहा है। लेकिन एक और चीज कि आपको सेमिनार को तो अटेंड करना ही है, तो होशंगाबाद में 19 तारीख को, हरदा में 18 तारीख को, इसके अलावा इंदौर भवर को लोकेशन पर 18 तारीख को ओपन सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है। इसके अलावा हमारी सारी की सारी ब्रांचेस में बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन बैचेस को आपको ज्वाइन करना है। और अगर आपको एमबीबीएस से कोई भी क्वेरी आ रही है तो आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉन्टेक्ट करके सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और एक और चीज की बात करूंगा फीस की, तो फीस इस बार काफी ज्यादा नॉमिनल रखी गई है। अगर आपको इस चीज का बिलीफ नहीं हो रहा है तो एक बार आप नंबर पर कॉल करके देख लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि फीस इस बार कितनी ज्यादा नॉमिनल रखी गई है। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में। इसके अलावा जो एसएससी और संविदा के बैचेस हैं, एसएससी संविदा और व्यापम के बैचेस हैं, ये भी हमारी सारी की सारी ब्रांचेस में स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको एसएससी के बैचेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, संविदा के बैचेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, या फिर इसके अलावा व्यापम के किसी भी अदर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप इन नंबर्स पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और इसके अलावा इस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो 9039055453। कौन सा नंबर है? 9039055453। इस नंबर पे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो और किसी भी इंक्वायरी के लिए आप पर्टिकुलर ब्रांच जाके विजिट कर सकते हो, या फिर हमारे हेड ऑफिस के नंबर 9039055453 इस नंबर पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए हैव अ नाइस इवनिंग।